क्यों जनाब, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके भाई की किताब नहीं अभी तक आई? मुझे नहीं पता कब पेश कब आ रही है पब्लिकेशन में। तो दिलचस्पी कोई नहीं उसमें? नहीं, वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। क्यों? वो कह रहे हैं कि अर्शद अर्शद जी, हाँ, के अप्रूवल की वेट हो रही है, पब्लिशर्स की वेट हो रही है। सब कुछ हो चुका है। अच्छा, वो घर में नहीं बताता ये बातें? नहीं। सलमान रुश्दी के मुतालिक मैंने ऐलान किया था कि आलम इस्लाम ने जो रद्द अमल दिखाया ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। जो माकूल रद्द अमल ये है कि उसको उसी तरह दलाल की मार मारो जिस तरह उसने की है, और बिल्कुल उसको डिमोलिश कर दो इस लिहाज से। उसके बगैर मगरिब की मगरिब समझेगा ही नहीं कि क्या होता है। तो उसमें देर इसलिए कि मुझे तो वक्त मिल नहीं रहा था। मैंने फिर तलाश की कि कोई अहमदी नौजवान ऐसा हो जिसकी ज़ुबान भी अच्छी हो और इल्मी जस्तजू का उसको सलीका हो। तो आखिर अर्शद इनके भाई पर नज़र पड़ी। उनको शुरू में बताया तो बड़ा क्या, बस एक मैं 3 महीने में लेके आया। मैंने कहा आपको वहम है, ये ऐसे काम 3 महीने में नहीं हुआ करते। अब 2 साल हो गए इसको। ये खुदा ताला के फज़ल से मुझे तौफीक मिल गई कि उनकी रहनुमाई जिस थीसिस के ऊपर की जाती है वो उन पर की, और हर कदम पे जिनको जब ज़रूरत पड़ती थी वो आके मुझसे पूछते भी थे, ताकि कहीं भी ऐसा रंग ना आ जाए जो मौलवियत का रंग हो जिसके नतीजे में जो हमारा मकसद ना काम हो जाए। दलाइल उस तरीक़ पर पेश किए जैसे मगरिब करता है और जिसे वो कबूल करने पर मजबूर है, और मार ऐसी हो जैसे ये लोग देते हैं। पंजाबी उसको गुजी सट कहते हैं। कोई मार दी और दिखाई ना दिया, ये इस तरह मारते हैं। सारी दुनिया के मजार पर इसी तरह कोनियाँ मारी जाते हैं। तो मैंने कहा उनके साथ वो सलूक करो जो इन्होंने वहाँ से हमसे किया है। तो इस मामले को इनके भाई अर्शद ने बहुत अच्छा निभाया है, और जो किताब आखिर पे तैयार हुई उसके मुतलिक यहाँ के चोटी के तबसरा निगार, जिसको एक प्रेस ने मशवरे के लिए भेजा, और प्रेस हमेशा भिजवाता है ऐसी चीज़ें, और बाज़ माहिर हैं जो इन किताबों पर तबसरा करते हैं जो छपने के लिए पेश की गई हूँ, तो वो चोटी का समझा जाता है। उसने ऐसा उम्दा तबसरा किया है कि प्रेस तो लट्टू हो गया उस पर। वो हमारी सारी शर्तें मान गया कि नहीं किताब हमें दो अब। और मैंने ये शर्त लगाई थी कि इस किताब को हम जब चाहें खुद भी छपवा सकते हैं, वरना ये कभी भी ये प्रेस ये नहीं माना करते बात। और तमाम ज़बानों में इसका तर्जमा करना, इसको छपवाने की कापीराइट हमारे होंगे। अब छापते हो तो छापो, उन्होंने कहा हमें मंजूर है। तो ये अब मैं आपसे पूछ रहा था, इसका आपको इल्म नहीं इन बातों का? मुझे ये लास्ट जो इन्फॉर्मेशन यही थी कि वेट हो रही है कि पब्लिशर्स ने हाँ काट दी कि हम पब्लिश करेंगे। हाँ, तो उनकी वेट हो रही है। क्या वेट हो रही है कि कब होगी? नहीं नहीं, वेट हो रही है क्या बोल लो। मैं वो बता रहा जो मुझे इल्म था। हाँ नहीं, वेट हो रही है, समझ नहीं आई अंग्रेजी लफ्ज बीच में बोल रहे हैं। उनकी वेट हो रही है क्या? अक्रम का भी तो भाई हूं। बात यह है कि उनके साथ तय होकर किताब स्पूर्द हो चुकी है। अच्छा। अब हमें नज़र रखनी पड़ेगी वक्तन फवक्तन कि क्या कितना आगे बढ़े हैं, कब तक वो शाया करेंगे। अच्छे से कहना ये पता करके मुझे रिपोर्ट करें। ठीक है, ठीक है। क्योंकि सब दुनिया मुंतजर बैठी है उसकी। अच्छा। मैंने नॉर्वे के सफर में जब जिक्र किया तो वहाँ के बड़े बड़े दानिश्वर बहुत ही इस पर एक्साइट हुए। उन्होंने कहा कि हमें तो बड़ी ज़रूरत है इसकी। पहले वो बहुत गलत फहमियाँ पैदा कर बैठा है, अब हम देखना चाहते हैं आपका व्यू क्या है। पाकिस्तान दिसंबर में गया, वहाँ भी लोग पूछ रहे थे कि कब छाप जा रही किताब। मगर इंशाल्लाह आपके भाई की मेहनत जो है खुदा ने कबूल किया, कबूल फरमाएगा इंशाल्लाह।